नमस्कार, हिमाचल अभी अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं खुशबू। पेश अभी तक के मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। बात सत्र में उठे मुद्दे पर बोले सुक्कू, स्कूलों में योगा की स्पेशल क्लास पर करेंगे विचार। हिमाचल विधानसभा में बाल सत्र, सदन में बाल विधायकों ने उठाए प्रदेश के विभिन्न मुद्दे, हुई तीखी बहस। कीर्तिपुर मनाली राजमार्ग के किनारे HPTDC खोलेगा 3 होटल। कांग्रेस माँ बेटा और बेटी की पार्टी, जेपी नड्डा बोले नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल है विपक्षी दल। टेट परीक्षा में भी मिलेगा OMR सीट की कार्बन कॉपी, पहली बार मिलेगा सुविधा। गुमारवी में देवर ने दरार से काट डाला भाभी का गला, आरोपी 10 दिन पहले ही बतौर प्रिंसिपल हुआ है प्रमोट। अब समाचार विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष बाल सत्र की कार्यवाही को गंभीरता से देखा। बाल श्रम निदेश दिवस के मौके पर आयोजित सत्र में भाग लेने वाले सभी बच्चों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों के सवाल जवाब देखकर उनका विश्वास और दृढ़ हुआ है कि हिमाचल प्रदेश का भविष्य सुरक्षित है। सीएम ने बाल सत्र के दौरान स्कूलों में योगाभ्यास के लिए विशेष सत्र आयोजित करने के सुझाव पर विचार करने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि बाल सत्र के दौरान आए अन्य सुझावों पर राज्य सरकार गंभीरता से करेगी विचार। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विशेष बच्चों पर भी दे रही है ध्यान और सरकार ने प्रदेश के 6000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ दी स्टेज के रूप में अपनाया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सोमवार को बाल सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में सरकार यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका संभालने नन्हे बच्चों में तीखी बहस हुई। बच्चों ने हिमाचल विधानसभा में प्रदेश के विभिन्न विषयों पर मुद्दे उठाए। 68 बच्चों ने हिमाचल के 68 विधायकों की तरह काम किया। बाल सत्र का आयोजन डिजिटल बाल मेला द्वारा हिमाचल प्रदेश विधानसभा के तत्वावधान में आयोजित किया गया। बाल सत्र में ज्यादातर बच्चे सरकारी स्कूलों से थे, जिसमें नवोदय स्कूल भी शामिल रहे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम HPTDC की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि निगम भविष्य में कीर्तिपुर मनाली 4 लेन राजमार्ग के किनारे 3 अति विशिष्ट होटल खोलेगा। इससे पर्यटकों को और अन्य यात्रियों को आधुनिकता सुविधाएं प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि ये होटल आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होंगे और उनका उद्देश्य राज्य में पर्यटकों को बेहतर अनुभव प्रदान करना है। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एक सलाहकार द्वारा एक अध्ययन भी किया गया है। 4 लेन राजमार्ग के आरंभ होने से क्षेत्र में पर्यटकों की आमद में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नूरपुर के जसूर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लक्ष्य से काम करने वाली पार्टी है और देश की बाकी पार्टियों तो केवल मात्र एक परिवारों की पार्टी बनकर रह गई है। हमारी पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, CM और PM बन सकता है। नड्डा ने कहा, अकाली दल समाज सेवी पार्टी, RJD, TMC, KCR, DMK, शिवसेना, NCP सभी परिवार की पार्टी बन चुकी है और कांग्रेस तो माँ बेटा बेटी की पार्टी बन चुकी है। उन्होंने कांग्रेस काल खंड और बीजेपी के कालखंड की तुलना करते हुए कहा कि कांग्रेस के समय स्कैंडल होते थे और बीजेपी के समय स्कीमें बनती है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के तहत अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट देने वाले अभ्यर्थियों को इस बार OMR सीट की कार्बन कॉपी मिलेगी। शिक्षा बोर्ड ने यह व्यवस्था जून जुलाई में होने वाली 7 विषयों की परीक्षा के दौरान की है। इससे पहले हुई परीक्षाओं में OMR सीट की डुप्लीकेट कॉपी देने की व्यवस्था नहीं थी। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि 18 जून से 2 जुलाई तक होने वाली 7 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा के दौरान बोर्ड OMR सीट की डुप्लीकेट कॉपी अभ्यर्थियों को मुहैया करवाएगी। गुमारवी के अंतर्गत आने वाले जंगाल चौक के पास गांव सौग में एक महिला की दरार से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला पुरुष महिला का देवर है और सोलन जिला के किसी सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल है। वहीं मृतक महिला रोशनी देवी पत्नी सुरेंद्र कुमार पंचायत डंगार व गांव सौग निवासी है। आरोपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल तरवार में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत है। 10 दिन पहले आरोपी को प्रधानाचार्य पद पर प्रमोशन मिली थी। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। फोरेंसिक टीम ने मौके पर साक्ष्य जुटाए। मृतका के मायके वालों ने स्थल पर जमकर नारेबाजी की। आरोपी को फांसी देने की मांग की है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।